Moving on now to the other big story of the day. More than 90 days after Sushant Singh Rajput's death, the forensic team from AIIMS is all set to submit a report of the viscera test that it had conducted. Remember, Times Now was the first channel to tell you that the team will be submitting the report today, and sources tell your channel that the report confirms the possibility of foul play in the actor's death. The five-member medical board of forensic experts was formed by AIIMS in August to look into the autopsy files related to Rajput's death after the CBI approached the hospital for assistance. Kajal Iyer, my colleague, is now joining us on the broadcast for more on this. Kajal, Times Now had told its viewers first that this report is going to clear all doubts and it is going to be a conclusive one. But most importantly, it rules out the suicide angle. That was the big hint. Sources had confirmed to our group editor Navika Kumar, and we will be awaiting the report which is expected to be submitted sometime today. There is an internal meeting of the CBI in which the AIIMS team will be briefing the investigation team that has left from Mumbai back to base in Delhi. And in that meeting, the report will be tabled and possibilities will be discussed. And eventually, we are hoping that we will get access to what is there in that report. Okay. Kajal, thank you very much for the moment for joining us with all of those details. In fact, Times Now has also spoken to viewers, several key insiders, including aides, managers and friends of Sushant Singh Rajput, who also claim that something is not really adding up. Listen in. मैंने पहले ही मैं दावा कर चुका हूँ कि ये मर्डर है, क्योंकि उनको कुत्ते के फज के जो बेल्ट होते हैं, उनका जो प्रिय डॉग था, उनको मतलब गला दबा के मारा गया है. ये नॉट सुसाइड. सुसाइड का ऐसा नहीं होता है. आपको मैंने पहले ही बोल रहा हूँ, भैया के साथ जो जब मैं था तो उनका जो रियलिटी वो मैं देखा हूँ. ये सब जिम करते हुए हैं, एकदम जिम कर रहे हैं, पुशअप मार रहे हैं, डम्बल में डम्बल डाल के पुशअप मार रहे हैं. तो भैया ये नहीं लेते थे, क्योंकि उनको आगे बढ़ना था, क्योंकि उनको मतलब और भी ड्रीम थे, हॉलीवुड में जाना. तो उनको मालूम है ये ड्रग्स अगर मैं करूँगा तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगा. जो एम्स जो हॉस्पिटल है वहाँ जो डॉक्टर अभी वो सब कर रहे हैं, पोस्टमार्टम वो सब कर रहे हैं, जो आप रिपोर्ट आने वाला कल या आज रिपोर्ट आने वाला, तो मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये मर्डर ही है पक्का. ऑफकोर्स ये मर्डर ही आएगा रिजल्ट. आप ये बात मानते हैं कि दिशा साल्यान और सुशांत सिंह का जो केस है वो इंटरकनेक्टेड है? 100% डे वन से मैं बोलते आ रहा हूँ कि दोनों की जो मौत है वो दोनों की मर्डर है. ये मौत नहीं आप बोल सकते हो कि खुद ही मार लिया, इसे सुसाइड कर दिया, यंग लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये नहीं है. क्या हुआ बताता हूँ आपको. दिशा साल्यन की मौत जब हुई, उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा और उनको फेंका गया नीचे. वो खुद ही नहीं मारी, उसको फेंका गया. अब उसका इन्फॉर्मेशन सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंच गया है, सुशांत को बता दिया गया. कारण है, दिशा का जो चैट अगर आप देख सकते हो, 16 अप्रैल तक सुशांत के साथ बिजनेस चैट हो रहा है. यानी वो एक्स मैनेजर बोली जा रही थी, लेकिन वो कनेक्शन जो उनका था, कनेक्टिविटी था, जो प्रोजेक्ट भी ला रही थी. जरूरी नहीं कि आपको पैनल पे होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर हो तभी आपको काम आप दे सकते हो. तो वो बकायदा उनका इंटरेक्शन हो रहा था. तो जब दिशा के साथ जब वो पार्टी में गई, पार्टी में उनके साथ जब दुर्व्यवहार हो रहा था, वो चीज उसने खुलासा कर दिया चैट से, व्हाट्सएप से, और व्हाट्सएप के चैट के द्वारा वो चीज सुशांत को मालूम हो गया. और एक कड़ी है जो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को ये नहीं समझ रहा है कि सीबीआई या एनसीबी इसकी जांच क्यों नहीं कर रही. जो ड्रग चैट पार्टी में जो नाम आया है आनंदी धवन का, आनंदी धवन मिसिंग है. वो मेन कोर मेंबर थी सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट की, आनंदी धवन. आनंदी धवन का अगर आप फेसबुक आज खोलोगे, आपको कहीं कुछ मिलेगा नहीं, ना उसका इंस्टाग्राम मिलेगा, ना तो लिंक्डइन में मिलेगा. उसका कोई डिटेल नहीं है, वो मिसिंग अंडरग्राउंड गई है. क्योंकि वो एक लड़की थी जो सुशांत के घर पे रुकी थी, और सुशांत का जब मर्डर किया गया, जब उसको गला घोट के मारा गया, तो एक विटनेस थी, वो थी आनंदी धवन. आनंदी धवन कौन है? तो आपका कहने का मतलब है जब सुशांत की मौत हुई तब आनंदी घर पे मौजूद थी? हाँ, आनंदी धवन घर पे मौजूद थी उस रात, 13 तारीख के रात, जब रात को उनका गला घोट के मारा गया. तो जांच होगी सच में, निष्पक्ष जांच में बोलूंगा, जब रॉय को लाया जाएगा, आनंदी को ढूंढ के लाया जाएगा और सामने बिठा के पूछा जाएगा, खुलासा हो जाएगा कि दिशा के मर्डर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और सुशांत के मर्डर में वही लोग इन्वॉल्व थे. सेम के सेम टीम है, गैंग है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स का वर्णन नहीं है.
कंटेंट जो बॉडी में ड्रग्स होता है वो तो आएगा ना, पोस्टमार्टम में आएगा ना, शरीर के अंदर क्या क्या था, क्या केमिकल था, शायद दवाई देके मारा गया, पॉइजन देके मारा गया, ड्रग्स लेके मारा गया, उसमें ड्रग्स का वर्णन जरा भी नहीं है, यानी मेरा दोस्त ड्रग्स नहीं लेता था। कुछ सैमुअल हॉकिप ने आपसे कई बार मंगवाने की कोशिश की, आपसे बात की, उस सिलसिले में कुछ बातें बता सकते हैं आप? नहीं, मंगाया तो नहीं कभी कुछ, लेकिन जो लिस्ट देते थे उसमें रोल पेपर रहते थे, स्मोकिंग पेपर रहते थे, ऐसा किसी ने ऐसा कुछ मेरे से कुछ मंगाया नहीं। अच्छा। लेकिन ज्यादातर मैंने सैमुअल हॉकिप को एक बार देखा था, जितना मुझे याद है, क्या एक टेबल, जब मैं कुछ मार्केट का थैली देने कुछ अंदर बंगलो में गया था, सब्जी वगैरह जो लेकर आया था, तो उसका कुछ बिल बता रहा था मैं उसको, तो टेबल पे एक ऐसा कुछ ग्रीन कलर का कुछ प्लास्टिक की थैली के अंदर कुछ ग्रीन कलर का कुछ चीज था, और कुछ एक प्लेट के अंदर कुछ ऐसा तंबाकू वगैरह सिगरेट के जो रहते ना, वो तंबाकू ऐसे खुले पड़े हुए थे, और साइड में स्मोकिंग पेपर रखा हुआ था, एक ड्रिंक का ग्लास था, और वहाँ पे सैमुअल हॉकिप बैठा हुआ था। दूसरी चीज भाई, कौन कौन सी एक्ट्रेसेस आती थी, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इनके नाम सामने रहते, लोग आते थे, आइलैंड पे जाते थे? तो श्रद्धा कपूर तो एक ही बार आई थी, वो भी जो छिछोरे का कुछ शूटिंग कम्प्लीट हुआ था, कुछ पुणे में कुछ शूटिंग था, कुछ तो उस वक्त श्रद्धा कपूर और बाकी के जो उनके साथ में जो एक्ट्रेस थे, जो जितने छिछोरे के, वो लोग आए थे, लेकिन वो एक ही बार आए थे, वो लगभग कुछ दोपहर के वक्त आए थे, कुछ 3-4 बजे के वक्त, और लगभग 10-11 तक चले गए थे। श्रद्धा कपूर तो जल्दी चली गई थी, 8 बजे के करीब चली गई थी, लेकिन सारा आती थी। सारा मैम का तो कैसा था, वो कुछ नवंबर 2018 से तो आना था उनका, कुछ जनवरी फरवरी 2019 तक आना जाना था। रिया के हाथ में कभी देखा है, रिया या उसके फैमिली के आसपास? शोभिक के पास देखा था मैं, वो जब कुछ जनवरी फरवरी 2020 में कुछ आया था, लास्ट हुआ था उसका। अच्छा रईस, एक फार्म हाउस से जुड़ी भी कुछ बातें सामने आ रही हैं कि एग्रीमेंट को लेके सुशांत काफी नाराज हो गए थे, उस बारे में आप कुछ बता पाएंगे हमको, आपको कुछ जानकारी है? एक्चुअल में क्या हुआ था, मुझे थोड़ा जानकारी है, कुछ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था पहले शुरू में, पिछले साल जब मैं वहां पर गया था, कुछ मई मंथ या जून मंथ 2019 की बात कर रहा हूँ, जब उस वक्त 2018 से लेके 2019 तक का एग्रीमेंट खत्म हो रहा था, मतलब जून 2018 से लेकर मई 2019 में एग्रीमेंट 1 साल का कंप्लीट हुआ रहा था, तो उस वक्त साहिल जो बॉडीगार्ड है उनका, जो सुशांत सर का, उसने मुझे ये पूछा था क्या रजिस्टर करना है कुछ एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट का नहीं बोला, कुछ प्रॉपर्टी का पेपर कुछ रजिस्टर करना है, तो क्या करेंगे, तो मैं बोला किधर का प्रॉपर्टी है, लोनावाला का प्रॉपर्टी है तो लोनावाला म्यूनसिपैलिटी में होगा, अगर पावना साइड का कुछ प्रॉपर्टी है तो फिर वो देखना पड़ेगा लोनावाला में होता है या फिर वड़गांव में होता है, तो उस वक्त उसने इतना पूछा था, लेकिन उस वक्त मैं देखा था सुशांत सर कुछ गुस्सा कर रहे थे, सबके बहुत नाराज थे। अच्छा। और उसके बाद से कुछ सैमुअल हॉकिप आना बंद हो गया था, मतलब सैमुअल हॉकिप का बाद में मुझे कुछ ऐसा कुछ 10-15 दिन बाद पता चला कि वो कुछ रात में कुछ निकल के चला गया, ऐसा कुछ सुनने में आया था, क्योंकि कुछ कपड़े वगैरह लेकर गया था, तो सीसीटीवी में इनको मतलब मॉर्निंग में पता चला कि सैमुअल हॉकिप घर पे नहीं है, तो कहा है तो एक्चुअल में पार्टी हाइट में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो उसमें देखा, तो उन्होंने मतलब बैग वगैरह लेके जा रहा था। तो एग्रीमेंट फार्म हाउस के सैमुअल हॉकिप ही बनाता था ना पहले, जब पहले किसने बनाया कुछ आइडिया नहीं है, कुछ इतना पता नहीं मुझे, लेकिन दूसरी बार जब एग्रीमेंट जो हुआ था वो सैमुअल हॉकिप ही था, जब सैमुअल हॉकिप ही था ना। And with this, we'll slip into another very, very short break. More on the other side coming up. Stay with us.